मुजफ्फरपुर जिले में कोविड 19 के मरीजों के इलाज को लेकर जिला प्रशासन ने निजी अस्पताल के संचालकों के साथ एक बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी अस्पतालों में निर्धारित रेट लिस्ट लगाने का निर्देश भी दिया। दरअसल बीते कई दिनों से जिले में निजी नर्सिंग होम की मनमानी की खबरें मिल रही थी और इसके बाद जिला प्रशासन ने यह बैठक की है। अस्पताल के संचालक है जिनके द्वारा कोविड केयर मैनेजमेंट किया जा रहा है, उन लोगों के संचालकों के साथ बैठक की गई और हम लोगों ने सभी विषयों पर विस्तार से बात की। उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराना हो, सरकार की बात हो या दवाओं की उपलब्धता हो, इन सभी विषयों पर विस्तार से बातचीत की गई और सभी के विचार विमर्श के उपरांत हम लोगों ने पूरा प्लान भी चौकआउट किया है ताकि किसी तरह की समस्या न हो। और यह भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मरीजों की जो चिकित्सा होनी है गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा हो, निर्धारित दर पे ही उनको चार्ज किया जाए। ये सारे हम लोग प्लान कर रहे हैं और एक हम लोग इसके तहत एक व्हाट्सएप ग्रुप भी उन लोगों के साथ बना रहे हैं कि उनको कभी भी किसी तरह की आवश्यकता होगी तो प्रशासन बिल्कुल साथ में खड़ा है और सहयोग के लिए। मुजफ्फरपुर पुलिस लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने में जुटी हुई है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सभी जगह फोर्स है और वो अपनी कार्रवाई कर रही है। जो विशेष जरूरत है उसके अलावा किसी को भी निकलने के लिए मनाही है, इसका कड़ाई से पालन भी हो रहा है। ऐसा देखा गया आमतौर पे कि शाम को कुछ लोग निकल रहे हैं, उस वक्त पुलिस की टीमें और ज़्यादा कड़ाई कर रही हैं। कल लगभग 1.5 लाख रुपए तक का फाइन हुआ है, कई दुकानों को सील किया गया, आज मॉर्निंग में भी कई शॉप्स को सील किया गया है, आगे कार्रवाई जारी है। बिहार में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही दिहाड़ी कमाने वाले सामने भूखे रहने की समस्या अब उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में बिहार सरकार के निर्देश पर हर जिले में सामुदायिक किचन की शुरुआत की जा रही है। मुजफ्फरपुर में 4 जगहों पर किचन चल रहा है। सभी जगह वैसे लोगों को मुफ्त में खाने की व्यवस्था की गई है जो भूखे रहने को विवश थे। अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान मुजफ्फरपुर में कोई भी भूखा न रहे, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। जो 15/5 तक जो लॉकडाउन की अवधि है तब तक ये अनवरत संचालित रहेगा और कल सवेरे से ही ये संचालित है, जिसमें यहाँ पे सवेरे में 67 और शाम में 64 लोगों ने भोजन किया है और गरीब स्थान में कल सवेरे में 52 और शाम में 49 लोगों ने भोजन किया है। और अभी दोनों जगह भोजन चल ही रहा है, लोग भोजन कर रहे हैं और उसके बाद जो संख्या होगी वो भी लगातार इस संबंध में आपदा प्रबंधन को इसका प्रतिदिन शाम में प्रतिवेदन भेजा जाता है। भोजन में एक्चुअली चावल है, दाल है और हरी सब्जी जो भी अभी के समय में है। कोरोना को लेकर बिहार में लॉकडाउन है, लेकिन अपराधियों को न तो कानून का डर है और न ही पुलिस का भय। यह वजह है कि मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 उचक्के मोबाइल छीनकर भाग निकले। हालांकि पीड़ित के हल्ला करने के बाद ही ग्रामीणों ने बदमाशों का पीछा कर पकड़ लिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को अपने साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक इन्हीं दोनों बदमाशों ने बीती रात एक होटल में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बैंक में जा रहा था मम्मी को आंटी को लेकर, ठीक है। जैसे ही मैंने जारंग क्रॉस किया तो मुझे कॉल आया और मैंने जब फ़ोन उठाया तो वो दोनों पहले से ही पीछा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता कि छीनना चाहता है। जैसे ही मैंने मोबाइल निकाला, मेरे हाथ से मोबाइल छीना और वो चलते रह गया। मैंने उसका पीछा किया, जब तक 4 लाइन पर था तो मैंने पीछा किया। जैसे ही गाँव में टपा तो मैंने अपनी आंटी को उतार दिया और गाँव में इसका पीछा करते हुए हल्ला करते हुए आया। जैसे ही मैंने बेरुआ पहुंचा तो यहाँ मैंने हल्ला करते हुए जो आ रहा था तो ग्रामीणों ने सुना और ग्रामीणों ने आगे से उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद फिर पुलिस को ग्रामीणों का पूरा सहयोग मिला। ग्रामीणों का पूरा सहयोग था, उन्होंने आगे से पकड़ा और उसको पुलिस के हवाले। कितने लोग थे?